अत्र तत्र सर्वत्र विजु जनता दल फाळ फाळ आठ मल्लिक रे भी फाट रमेश साय बनाम नलिनी प्रधान फेरीगले बीजेडीर मंत्री और विधायक नलिनी को विरोध नवीन बाबू चेतावनी सह समान विजु जनता दल रे अमलातंत्र जुगे जुगे सक्रिय किंतु पांडियन को दबदबा समय रे अमलातंत्र बीजेडीर मुख्य नेता साजुचंती और निर्वाचित बीजेडी प्रतिनिधि को पछकु करि दउचंती जहार परिणाम आठ मल्लिक रे देखिबा को मिलिछि। सरकारी हेउ कि दलीय कार्यक्रम विधायक रमेश साय को करि दिया जाउछि अणदेखा। पूर्वरु आठ मल्लिक रे आयोजित बीजेडीर प्रशिक्षण शिविर को विधायक को डका जाय नथिला बेले निकटरे शेष होइतिबा आठ मल्लिक महोत्सव रमेश को दूरई रखा जायतिला। ए सबु पछर कारण प्रशासक रु नेता साजिथिबा 2019 रे दलरे जोग देइथिबा नलिनी प्रधान बोली चर्चा रहिछि। नलिनी मुख्यमंत्री भल संपर्क रखी तांको विभाग रे दीर्घ दिन जाए काम मध्य करिथिले। तेबे आठ मल्लिक आंबसर मुंडारे आयोजित गुंडा समाज सर्वोच्च प्रकृति शक्ति जंघा पेंठाना प्रतिष्ठा उत्सवर अंतिम दिन में अतिथि थिले खनि मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक और आदिवासी कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरका। सेमानक सह अनुगुल जिल्लार विधायक मानंकु भी निमंत्रण करा जायतिला। तेबे सेमानक सह बिना निमंत्रण रे चली आसीथिले बीजेडी नेता नलिनी प्रधान। नलिनी प्रधान पूर्वरु गंडमानक प्रति जातीयणा आक्षेप करिथिबा अभियोग रहिछि। बाजा बजाई बजाई उत्सव स्थल को अन्य बीजेडी नेतांक सह जाउथिला बेले गंड समाज पक्षरु नलिनी को गो बैक नारा दिया जाय विरोध करा जायथिला। फळरे अपदस्थ होई लेउटी जायथिले नलिनी ओ तांक सह बीजेडीर मंत्री ओ विधायक माने। ना एटा तो जदि देखा जिवो एटा बिना निमंत्रण रे अतिथि केही आसंती नै एटा अपन धसे हे पसि आसिले मंडल सृष्टि कले बोली अभियोग आसे एटा धसे हे के आसबे एटा ठीक नै गोटे श्रृंखला भाव में आसिकी आम जंगा जेम को से आशीर्वाद नहीं पारि था एटा भी आम समस्ते चाहूँ। नलिन प्रधान गो बैक नारा दे नलिन प्रधान मोटामोटी हिसाब से गोटे समाज को गोटे सस्त धक्का दे सी गंड लोक को आम भविष्य खत कर दे रमेश साय गंड समाज रु होता बेले नलिनी प्रधान पूर्वरु तांको विरोध में जातीयणा आक्षेप करिथिबा अभियोग होइथिला। एबे गंड समाज कार्यक्रम को बिना निमंत्रण रे जाइथिला बेले गंड समाज पुरुणा राग सुझाइथिला। तेबे बीजेडी रे जेतिके फाट हेलानी ताकु बंद कर करू बीजेडी डंगारे पानी भरी जाई पारे ओ 2024 निर्वाचन बैतरणी पारि हेबा बिजु जनता दल पाई कष्टकर होई पारे।